ओए मेरे बच्चे ने कितना प्यारा पेंट किया है। ईमान का देखो। कोई बात नहीं, अभी वो छोटी है ना। ईमान दूसरे में भी करो, दोनों में भी कर लो बेटा। मैंने और करना। अच्छा मेरे पास पावर आ गई। पावर आ गई। अब पावर नहीं कर लो, पावर थोड़ी और देगा। अभी तो मेरे पास बहुत पावर है। और यहाँ जो ईमान अपने फेवरेट काजू एंजॉय कर रही है, उसको रोस्टेड काजू बहुत ज्यादा अच्छे लगे हैं। कुछ कह रहे थे आया, बताओ क्या कह रहे थे टीचर को, बताओ। ये टीचर देख रही है आपको, टीचर देख रही है, वीडियो कॉल की हुई है, वीडियो कॉल टीचर वीडियो बना रही है। मिस जवेरिया ये देखे अपने बाबा से लड़ाई कर रहे हैं। ओहो ये तो ये ईमान ने चौकर अंकल के सारे आई कर लिया। गंदे मां गंदी बच्ची है, ऐसे करते कोई ऐसे कर पूरी दुनिया बढ़ गई। मां बहुत गंदी बच्ची है, बहुत ज्यादा, और ईमान कल से पल जा रही है, खत्म हो गया। या क्या हो गया खत्म? आपको मेरी आवाज आई थी ना आज गली में जब मैंने आपको आवाज दी थी। यहाँ बिनिश बिरयानी बनाते हुए, चलें जी आपको इसकी बिरयानी दिखाते हैं। देखिए जी, और ये पतीला खाली है। हाँ पर जी चावल है, सही है जी। अब मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने। और ये आपने अयान को चेक किया है, अयान की हरकत है, जैसे मैं मुझे ये तंग करता है ना, अपने बाबा को तंग करता है, तो मैं ना वीडियो ऑन कर लेती हूँ, कहती हूँ कि मैं ना रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और मैं आपकी टीचर को भेजूंगी। तो जैसे ही मोबाइल अपनी तरफ देखते हैं ना, तो बिल्कुल खामोश हो जाता है और ऐसे रिएक्ट करता था कि मैंने कुछ नहीं किया। और किस तरह से होशियारी से उसने सारा ब्लेम ईमान पर डाल दिया है। चलो बस मानो चुन लिए चाला कुछ में बेटी ने। मिट्टी नहीं खा ली, आप तो अच्छी बच्ची हो ना। वो देखो भाई वहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं, और यहाँ है जी ईमान मिट्टी में से कुछ चुन रही है ना मानो। सारे कपड़े गंदे कर लिए आपने, चलो मामा ने कर दिए। क्या नहीं बेटा, वो एलिगेटर है। यहाँ हम बच्चों के लिए बाहर आए थे क्योंकि आजकल शाम बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। और आया ने देखे हाफ स्लीव्स पहनी हुई है, पर मैं इसकी गर्म शर्ट भी लेकर आई थी कि जब इसको वहाँ ठंडी लगेगी ना तो मैं इसको चेंज कर दूँगी। तो थोड़ी देर बाद मैं इसको चेंज कर दूँगी, इसको जब ये फारिग हो जाएगा ना खेल के, तो इसको ठंड लगेगी, तो मैंने इसको ना कपड़े चेंज कर देने। क्योंकि शाम को ठीक ठाक बाहर ठंडी हवाएं चलती हैं, और आपको पता है बीच वाला जो भी एरिया होता है वहाँ तो ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं। तो ये देखें जी, अब अयान ने शर्ट चेंज कर ली है, उसी के ऊपर मैंने शर्ट पहना दी थी उससे, और यहाँ पर ये साइकिलिंग करने लगे हैं दोनों। अयान के पाँव जा नहीं था रहा और वो ज़िद कर रहा था कि मैंने साइकिलिंग करनी है, और आपको पता है ये साइकिल तभी सही से चलती है, राइडर्स के पाँव पैडल तक जाते हैं और वो पैडल को चला सकते हैं, बट अयान ने तो फिर ज़िद करनी होती है। तो बेचारी दिनेश का हालत बुरी हो गई थी साइकिल चला। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो जी हम लोग बीच पे आए हैं, बेसिकली बनाया था बिनिश ने आज जो है टिक्का बिरयानी। सुबह हम लोगों ने बर्गर्स खाए थे जो जिशान ने बनाए थे, तो सुबह मेरी तरफ से सारे, और अब हम लोग आए हैं बाहर बिरयानी इंजॉय करने। बहुत ही मज़े का मौसम हो रहा है, और ये जी जिशान मेरे लिए लाए हैं जी लेस, तो मैं वो इंशाल्लाह खाऊंगी। और अभी हम लोगों ने बिरयानी खाई, इतना ज़्यादा मज़ा आया है। बिनिश और जो है वो अयान और ईमान साइकिलिंग करने गए हैं, और उसके बाद देखती हूँ मैं साइकिलिंग करती हूँ कि नहीं। इतनी स्पीड में साइकिल चला रही हूँ, ये बहुत सख्त है, ये तो साइकिल नहीं, दो बंदों से चलती है ना, वो अयान का पाँव ही नहीं जा रहा। जिशान अयान से कहें उतर जाए थोड़ी देर के लिए, वो देख सारा मज़ा खराब कर दिया। चलो बिनिश एक और आ गई है,
चलो भाई ईमान के लिए मैंने चला ईमान के लिए मुझसे मैंने चलानी है इस तरफ तो रखना अल्लाह की सपूत भाई मिनिश अल्लाह की सपूत गिर जाओगे यार बीच पे निशानी समंदर में जा गिरेंगे ईमान कल तक छोड़ ये मलकिया बीच है और ये बहुत ही खूबसूरत बीच है। इसका व्यू बहुत ही प्यारा आता है, ख़ासतौर पर सनसेट के करीब जब ये होता है ना तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। इसके मैंने मनाजर काफ़ी ज़्यादा कैप्चर किए हुए हैं, मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जहाँ आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बीच है और इवन ना यहाँ पर इतना ज़्यादा रश होता है, आजकल थोड़ा सा रश कम है क्योंकि थोड़ी सी सर्दी होती है इस टाइम, वरना तो रात 9 बजे तक यहाँ पर ठीक ठाक रश रहता है, क्योंकि हम लोग काफ़ी बार इधर इस जगह आ चुके हैं तो इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा आइडिया है इस जो है बीच का। ये थोड़ा सा आगे चलकर है जहाँ से आप जो है साइकिलिंग के लिए हायर करते हो साइकिल्स को, और यहाँ पर बोट्स भी हैं, बहुत सारी बोट्स हैं जो आप हायर कर सकते हो। इस टाइम ये बंद हो जाता है, 7 बजे के बाद बोटिंग नहीं अलाउ है, मैंने तो नहीं देखा, और ये सब चीज़ें बंद हो जाती है। बस आप रह सकते हो यहाँ पर, छोटे से प्ले एरियाज बने हुए हैं, काफ़ी सारे बने हुए छोटे छोटे, आप इनको इन्जॉय कर सकते हो, आप बैठ सकते हो, कोई मसला नहीं है। कैफेज़ खुले हुए होते हैं, आपको बर्गर्स वगैरह जिस तरह की चीज़ें होती है वो मिल जाती हैं, बट ज़्यादा जो है यहाँ पर आपको टी कॉफ़ी इस तरह से चीज़ें मिलेंगी और स्नैक्स जो बच्चों के होते हैं एंड दैट्स इट। मज़ेदार चीज़ें आप जैसे कहें कि बहुत मज़े के बर्गर्स मिल रहे हैं या सैंडविचेस मिल रहे हैं तो नहीं, इस तरह सा मुझे तो यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आया। और जहाँ मैंने आपको साइकिल्स दिखाई हैं कि जहाँ से आप हायर कर सकते हो, बोट्स दिखाई हैं, उसी के बिल्कुल सामने ये ग्राउंड है जहाँ पर स्लाइड्स लगी हुई हैं, स्विंग्स लगी हुई हैं, सीसो लगे हुए हैं बच्चों के लिए, और बिल्कुल इसके सामने ही इन्होंने प्ले जोन एरिया बनाए हुए हैं, 2-3 प्ले जोन एरिया हैं सेपरेट सेपरेट करके। बास्केट को हाथ लगा रही तो बच्चे चाहें तो यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, पहले अगर वो बीच में नहाना चाहते हैं नहा लें, उसके बाद वो जो है इस एरिया में आ सकते हैं, फिर बिल्कुल सामने ही प्ले जोन एरिया है, बच्चे वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, ये जो प्ले जोन एरिया ना है ये काफ़ी ज़्यादा चीप है, लाइक नस्बतन जो हम लोग गए थे ना वहाँ पर, कौन सी जगह थी, सिटी सेंटर, सिटी सेंटर में जो आपको इस तरह से प्ले जोन एरिया नज़र आते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव। इवन आप लूलू पर जाते हो, अंसार गैलरी पर जाते हो, वहाँ पर भी ये ठीक ठाक महंगे हैं। यहाँ पर बहुत ही मिनिमम जो हैं रेट्स थे, लाइक अब जैसे ईमान ने राइड ली थी एक तो 0.2 यानी 200 फिल्स की थी वो राइड, ठीक है जी, तो 200 फिल्स कुछ भी नहीं होते हैं तो, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और फिर थोड़ा टाइम ड्यूरेशन भी यहाँ ज़्यादा है। और अब ये आयान जहाँ पर खेलने जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी मेरे ख्याल में 500 फिल्स का था ये, और 15 मिनट अलाउ थे, वरना हम जितनी बार भी जहाँ भी गए हैं एक बीडी है या 2 बीडी है और प्ले एरिया पे अलाउ करते हैं खेलने के लिए, और वो भी 15 मिनट के लिए होता है, ये भी 15 मिनट्स के लिए था, बट आयान इस जगह जाके काफ़ी बोर हो गया था, उसको मज़ा नहीं था आया, क्योंकि जो बाकी प्ले एरियाज़ में इसने इन्जॉय किया हुआ ना इस तरह का जो एक सेक्शन होता है, तो वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें थी तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था, बट यहाँ पर वो चीज़ें नहीं थी तो वो थोड़ी देर बाद ही नीचे आ गया था। ये प्ले एरिया काफ़ी छोटा था, बहुत ही छोटा था बल्कि, और इसी तरह से 7-2 और इन्होंने प्ले एरियाज बनाए हुए, वो नस्बतन इससे ज़रा बड़े थे। उठो, अच्छा बॉल बॉल लेके देती हूँ, उठे तो उठो मेरा बेटा, उठे मारने के लिए, अच्छा चलो वहाँ मारने के लिए बॉल देती हूँ, चलो बॉल ले लो, दो देनी है, अच्छा मैं दो देती हूँ, ये देखो किसके नीचे बढ़े, चलो आंटी खोल देती हैं, ईमान बिल्कुल भी इधर से नहीं थी उतरी, और जो सिक्योरिटी वाला लड़का था ना वो भी ईमान को देख के हंस रहा था, ये लड़की कर क्या रही है।
जैसे ये राइड है ना, तो सिटी सेंटर में हम लोगों को ये राइड मिली थी 1.5 BT की, और यहाँ पर सिर्फ 200 फिल्स की राइड थी, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, और इनकी टाइम ड्यूरेशन में भी काफ़ी डिफरेंस था। लाइक वो वाले कप्स जो हम लोगों ने वहाँ पर लिए थे, तो उसको लाइक आई थिंक वो 1 to 2 minutes तक वो राइड थी, और ये तकरीबन 3-4 minutes इन्होंने राइड दी है ठीक ठाक, और बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया इस राइड पर। और 200 फिल्स की अगर बच्चे फिर से ज़िद करें तो आप उनको फिर से भी लेके दे सकते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, और अगर आप लोग नए नए बहरीन में शिफ्ट हुए हैं और अगर आपको नहीं समझ आ रही है और बच्चे ज़िद करें बाहर जाने के लिए, तो आप लोग मलकिया बीच आएँ, वहाँ ये आपको छोटे छोटे प्ले जोन एरियाज़ मिलेंगे, और ये काफ़ी रीज़नेबल हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।